तो बोलो, अंदर मेहमान आए हुए, मुबारकबाद देने के लिए तमाशा मत लगाओ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऑफ वहां ऑफिस में मिठाई भिजवाने की जरूरत क्या थी नजुताटी को? आप उन्हें रोक नहीं सकती थी। अब मैं क्या बोलूंगा ऑफिस वालों को कि ये सब झूठ है, मजाक है? तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। उन्होंने ये सब कुछ अपनी खुशी से किया है। तुम्हारी बातें सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बेवा औरत है, एक बेटी के सहारे सारी जिंदगी गुजारी है, अब उनकी ये खुशी भी छीनोगे उनसे? सारे खानदान में बात फैल चुकी है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इन हालात को किस तरह संभालूं मैं। पहले ही नादिया से शर्मिंदा हूं मैं, मुश्किलों से वो संभली है। सोचा था ये कुछ अरसा सुकून में गुजर जाएगा, और अब मेरी बात सुनिए। नादिया अब भी इस उम्मीद में है कि वो तुमसे शादी करेगी, और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे अपना लोगे। थक गया हूं मैं इस कश्मकश से मारो। काश ये सब ऐसा ना होता जिस तरह हो रहा है। देखो, हो सकता है अल्लाह पाक इसमें कोई बेहतरी हो। तुम बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की होती तब तो बात और थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। मेरी बात सुनो अंदर, लुक एट मी। तुम्हें क्या वाकई नादिया अच्छी नहीं लगती? मुझे सच बताओ। देखो, ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोचो। नादिया बेमिसाल है। अंदर मेहमान बैठे हुए, मैं जा रही हूं। यू थिंक अबाउट इट। इफ्रा, इतनी रात तक नहीं जागते बेटा, और तुम इतनी चाय मत पिया करो, इससे तो बेहतर है कि दूध पी लिया करो। मतलब ये है कि मैं बूढ़ा हो गया, यही कहना चाह रही हो ना इफ्रा? कैसी दूरियां, कभी बूढ़े नहीं हो सकते। फासले कभी बूढ़े नहीं हो सकते। के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं। सही ना जाए इस दिल से बेबसी। तुम्हें क्या मसला है इफ्रा? तुम अपने आप से बातें कर रही हो या फिर फोन पर किसी से बातें कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही नहीं आ रही थी, मैं सो रही हूँ। जाहिर है तुम्हारे घर की तरह आरामदेह बिस्तर तो है नहीं है, अब इसी में गुजारा करना होगा। मेरी, मैं यहाँ बहुत आराम से हूँ। घर की याद आ रही थी, मैं सो रही हूँ वापस, सॉरी। तुम्हारे सॉरी कह देने से अब मुझे दोबारा नींद तो नहीं आ जाएगी ना? अब्बा को भी यही कमरा मिला था तुम्हारे लिए।